हेलो दोस्तों, आज की करंट अफेयर की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के कौन कौन से करंट अफेयर के प्रश्न हैं। पहला है, संयुक्त राष्ट्र मलाला दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इसका कॉज, इसका कारण बहुत बड़ा है, शिक्षा से संबंधित है, लड़कियों की शिक्षा से संबंधित है, तो इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आ सकता है। ये 12 जुलाई को मनाया जाता है। मलाला यूसुफ मलाला कौन है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान की रहने वाली हैं, लड़कियों की शिक्षा के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, इसके लिए इन पर हमला भी हुआ था। अब ये पाकिस्तान में नहीं रहती हैं। और एक सर्वे के अनुसार ये भी कहा गया है कि 17 वर्ष से कम उम्र की दुनिया में 132 मिलियन लड़कियाँ ऐसी हैं जो अभी भी पढ़ाई नहीं कर रही हैं। बहुत बड़ी संख्या है, तो ये इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाटो के सहयोगी देशों ने रक्षा पर राष्ट्रीय बजट का 2% ही खर्च करने का निर्णय लिया है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने कितने प्रतिशत धनराशि खर्च करने का आग्रह किया था? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना था या सोचना था कि जितने भी इसके सहयोगी देश हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करें, लेकिन उनके सहयोगी देशों ने इसे मना कर दिया और सिर्फ 2% ही खर्च करने का निर्णय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कितना कहा था खर्च करने का? 4% कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंटरनेट की आज़ादी से संबंधित किस सेवा को भारत में आरंभ किए जाने के लिए भारत सरकार ने अब मंजूरी दी है, जो कि बहुत पहले दे दी जानी चाहिए थी। ये मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है। नेट न्यूट्रलिटी है ये। नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है? इसके अंतर्गत होता है कि अगर कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर है वो कुछ स्पेसिफिक साइट या पर्टिकुलर साइट पे अपनी स्पीड पूरी देता है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर साइट पर वो स्पीड धीरे हो जाती है। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप कोई साइट खोलते हैं तो कहते हैं कि इस पर खुलती नहीं है जल्दी, नेट स्पीड बहुत स्लो हो जाती है, और कुछ साइट तुरंत खुल जाती है। तो आप क्या करते हैं, आप जिसको जो साइट जल्दी खुल जाती है उसको तुरंत खोलते हैं, उसी पर ज़्यादा आप विजिट करते हैं। तो ये पहले होता था, अब इसको बंद कर दिया है, प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इंटरनेट सभी साइट्स के लिए इक्वली स्पीड देना पड़ेगा। तो ये नेट न्यूट्रलिटी का कंसेप्ट है, आपको समझना आ गया होगा। ये नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर पर विश्व में सबसे ज़्यादा किस महिला नेता को फॉलो किया जाता है? भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि सबसे ज़्यादा सुषमा स्वराज जी को फॉलो किया जाता है पूरे विश्व में। नेक्स्ट है, किस देश ने आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए अरब देशों के साथ तेल और गैस प्लस मॉडल शुरू किया है? वह कौन सा देश है? वह देश है भारत नहीं है, वह देश है चीन। चीन ने हाल ही में अरब देशों के आर्थिक विकास के लिए 20 अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया है। चीन ऐसा करता रहता है, दूसरे देशों को बहुत ऋण देता है और उसके ब्याज के एवज में बहुत सा लैंड या कोई बंदरगाह उस पर कब्जा करता है। ये श्रीलंका में भी हो चुका है, पाकिस्तान में भी हो चुका है। तो ये इसी नीति के अंतर्गत ये उसने अरब देशों को इतने पैसों का ऋण दिया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे पिछले वाली करंट अफेयर की वीडियो में मैंने बताया था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से राज्य पहले नंबर पर आया है, आंध्र प्रदेश था। ये प्रश्न है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? वो प्रश्न इसलिए इम्पॉर्टेंट था कि ये जो रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। तो आंध्र प्रदेश को याद रखेंगे आप, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं है, वर्ल्ड बैंक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह शहर जहाँ अत्याधुनिक नागरिक उड्डयन अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी वह कौन सा है? वह राज्य है हैदराबाद। हैदराबाद में कहाँ होगा ये? हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डा है, वहाँ पर इस संस्थान की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ द्वारा कितनी प्रजातियों को लुप्त प्राय प्रजाति के रूप में नामित किया गया है? एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये। टोटल अब लुप्त प्राय प्रजातियाँ 21 हो गई हैं, पहले 17 थी, हाल ही में 4 नई प्रजातियों को इसमें शामिल किया गया है। वो कौन कौन सी है? वो उत्तरी नदी टेरापिन है, याद रखेंगे, फिर क्लाउडेड तेंदुआ है, और फिर अरब सागर में पाई जाने वाली हम्पबैक वेल है, और फिर रेड पांडा है। ये 4 हैं प्रजातियां जो लुप्त प्राय श्रेणी में आ चुकी हैं, तो अब 21 इनकी संख्या हो गई है। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने पुलिस पदक आरम्भ करने की घोषणा की है? 5 पदक
की घोषणा की उन्होंने, वो आरंभ करने की, जो भी पुलिस के उसमें सर्विस के दौरान अच्छे काम करते हैं उनको पदक ही प्रदान किए जाएंगे। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियो थे। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।